हेलो माय ब्यूटी फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो ये वाले थ्रेड्स हैं। और इनके नंबर ये और मैं 6 स्ट्रैंड्स ही यूज़ करूँगी। इसमें सबसे पहले हम रेस्ड बैक स्टिच बनाएंगे। अब हम इन स्टिचेस को ओवरलैप करेंगे। हर एक में से आपने यूं ऐसे पास करनी है नीडल। अब हम बटरफ्लाई स्टिच बनाएंगे। उसके लिए मैं 6 स्ट्रैंड्स ही ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा गैप रखना है आपने स्टिच में, ऐसे। यूँ आपने इनके सेंटर में ऐसे किया हमने, ये देखें, और फिर इसके नीचे से हमने यूँ थ्रेड गुजारा और यूँ ऐसे, फिर नीचे से यूँ ऐसे पास की नीडल और उसी जगह से हमने नीडल फिर नीचे पास कर दी और फिर इसको यूँ टाइट कर ली। अब इस स्टिच में गैप नहीं आना चाहिए, ये वाला स्टिच सेम उसी जगह से लेना है हमने। अब नेक्स्ट वाले हम गैप के साथ बनाएंगे। यहाँ पे हम फ्रेंच नॉट बनाएंगे।
अब हम ये वाली जो पेटल है इसे हम ट्विस्टेड चेन स्टिच के साथ बनाएंगे, और इसमें भी मैं 6 स्ट्रैंड्स ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे लिया हमने ये और फिर थोड़ा सा इससे आगे यूँ हमने इतना सा गैप छोड़ के हमने स्टिच लिया। और फिर इसके ऊपर से यूं ऐसे हमने टर्न करना है इसे। अब हमने यूं इसे यूं 2 टाइम्स के ऊपर रैप किया और फिर ऐसे। अब हम ये वाला जो इसका स्टेम है इसको हम फैदर स्टिच के साथ बनाएंगे। अब हम इसके स्टेम को क्लोज फैदर स्टिच के साथ बनाएंगे। अब हम ये लीफ बनाएंगे। इसको मैं क्लोज हेरिंग बोन स्टिच के साथ बनाऊंगी ताकि डिफरेंट स्टिचेस एक में ही यूज हो जाए।
अब इसे हम साटन स्टिच के साथ फिल करेंगे। इसी तरह से हम इस सारे को इस साटन स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। अब हम जितनी भी ये वाली पेटल्स हैं जो फ्लावर की हैं वो सारी हम बटरफ्लाई स्टिच के साथ फिल करेंगे और उनके कॉर्नर पे हम ये जिस तरह से मैंने ये फ्रेंच नॉट बनाई है इस तरह से फ्रेंच नॉट बनाएंगे। और यहाँ पे हम डिफरेंट ऑल्टरनेट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रेड किया है, यहाँ पर हम येलो कर लें, कोई और डिफरेंट ग्रीन कलर है, कोई भी जो भी आपको शेड पसंद हो जी, तो ये डिफरेंट कलर से भी हम बना सकते हैं। और इस तरह से जो दूसरी ये वाली है, ये वाला जो लीफ है, इसे भी हम इसी हेरिंग बोन स्टिच के साथ ही बनाएंगे। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप पर्ल या बीड्स का यूज़ भी कर सकते हैं, इनके सेंटर में इस जगह पर पर्ल्स या बीड्स यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इसके एंड पर भी आप पर्ल या बीड यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।